हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर रामडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के रिलेटेड, जो एसएससी जीडी का री मेडिकल कब तक होने की चांसेस है, तो इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट पहले आएगी कि नहीं आएगी। बहुत से भाई जो थे वो यूट्यूबर बोल रहे थे कि इसकी अलग अलग चैनल में बताया जा रहा था इसकी नहीं, पहले फाइनल लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद इसका री मेडिकल होगा, देन एडिशनल वालों का मेडिकल होगा। तो दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ये है उसका स्टैटिकल, आप भी देख रहे हो COVID-19 की। तो इस सिचुएशन को देख के यार लगता नहीं है कि अभी इसका री मेडिकल करवाना पॉसिबल है इतनी जल्दी। हो सकता है इसका ये, यहाँ तक मेरा आइडिया कि सितंबर, अगर सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई तो सितंबर तक हो सकता है शायद। कोई भी बंदा इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ना ही कोई एसएससी ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाल रही है, ना कोई सीआरपीएफ निकाल रही है। या तो इनको चाहिए ना कोई नोटिफिकेशन निकाल दे, जिससे हम जैसे स्टूडेंट जो हैं, जिसका जिन जिनका मेडिकल क्वालिफाइड हुआ है, वो थोड़े से एक रिलैक्सेशन हो जाए। यार उनको भी टेंशन है, जिसका रेफर उनको भी टेंशन है, सभी को टेंशन डाले रखे हुए यार। अब टाइम ही ऐसा आ चुका है, क्या कहें दोस्तों। यार आप पैनिक मत हो, इसका री मेडिकल भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ होगा यार, बस अब टाइम लगेगा भाई इसके लिए। तो आप सभी को वेट करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि पहले नहीं, पहले जिसका मेडिकल पास हुआ उनकी ज्वाइनिंग करवा दो, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पहले करवा दी तो जो उसका रेफर वाले बच्चे हैं उनको भी सभी को लेना पड़ेगा, क्योंकि रेफर भी कई बच्चों का पास होगा। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी जिसके उनका मेडिकल फिट हुआ है उनको सभी को ले जाएं और रेफर वालों को भी। यार अगर ऐसा होता है तो उनको वैकेंसी जो है इनक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि सभी बच्चे जो हैं वो जा सकें। ऐसा हो तो अच्छी बात है कि सभी के सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, सभी की जॉब लग जाएगी। यार अभी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज भी हो चुकी है, जैसे कि मैं खुद हूँ यार, इस समय मेरी भी एज हो चुकी है, अब मैं भी कोई भर्ती तो देख नहीं सकता। तो इसलिए यार अब गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर एक बंदा यार इसके बारे में सोचे कि यार नहीं, जिन बच्चों की अभी एज हो रही है वो क्या करें आगे, वो ना आगे गए ना पीछे गए, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार, ऐसे टेंशन में आ रहे हैं भाई। उनको भी समझना चाहिए यार बच्चों के बारे में। इसलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं एक नोटिफिकेशन तो नहीं कहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, जो शेयर करना चाहता था यार, ये अपने बच्चों की, अपने भाई लोगों की। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो आपके पास पहुँच सके यार।